यह खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के खेड़ी पुल इलाके में मवई रोड पर बीते 11 और 12 तारीख की रात को ऑटो में मिले ऑटो चालक के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी के साथ आरोपी के अवैध संबंध थे, जिसके चलते ऑटो चालक की रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई थी और आरोपी मृतक की जेब से 300 रुपए और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया था। 12 सितंबर की रात को थाना खेड़ी पुल के अंदर एक मवई रोड के ऊपर एक ऑटो रिक्शा के अंदर एक अज्ञात डेड बॉडी जो है वो मिली थी और जिसे देखने में प्रारंभिक देखने में सामने आया था कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है और उसी संदर्भ में जो FIR खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन के अंदर FIR नंबर 103 सेक्शन BNS के तहत हत्या के मामले में दर्ज की गई और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो PSI दीपक के द्वारा अमल में लाई जा रही थी और उसी संदर्भ में PSI दीपक के द्वारा आरोपी पंकज चौबे को है जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पंकज चौबे जो मृतक दिनेश था उसका दोस्त था, पहले उनका पड़ोसी था, अब थोड़ा सा दूर उसी मोहल्ले के अंदर भारत कॉलोनी में दूसरी तरफ रहता था और जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है उसमें जो आरोपी पंकज है उसका मृतक दिनेश की जो पत्नी है उसके साथ इलिसिट रिलेशंस थे और जिस बारे में दिनेश ने अपनी वाइफ का फ़ोन जब चेक किया तो उसे इस बारे में जब पता लगा तो उसकी जो पत्नी थी उसने आरोपी से बात करना बंद कर दिया, जिस के कारण आरोपी ने लगातार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन जब उसकी पत्नी ने उससे बात नहीं की तो उसने डिसाइड किया कि दिनेश को अपने